हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भोला प्रसाद और आज देव को उसके एक्टिंग क्लासेस से लेने के लिए आया हूं। आज कुछ 13 डेज 13 दिन कंप्लीट हो गए उसके एक्टिंग क्लासेस के। ऐसे ही छोटा सा क्लासेस है जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी और ये दिल्ली के AARI पूसा सर्वोदय कन्या विद्यालय में चल रहा था और अब 2 दिन बचे इसके क्लासेस को। सैटरडे को इसका प्ले है, यहीं पे होगा और ये करवाया जा रहा है साहित्य कला परिषद की तरफ से। तो आज 13 डेज हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं अभी तक देव बाहर नहीं आए हैं। ये इसके क्लासेस स्कूल का गेट है जहाँ पे वो क्लास कर रहा है। आज मॉर्निंग में इसके सर से बात हुई थी कि सैटरडे 29th को प्ले है। प्ले का नाम है प्रगति। प्रगति मतलब आगे बढ़ते रहना और आगे बढ़ना हर चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, चलने में आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो ये पर्यावरण से लेकर रिलेटेड है। सैटरडे 29th जून 2019 प्ले डे है। मैं बाहर यहाँ गेट के पास उसका वेट कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है, बारिश एक भी नहीं हुई, हालांकि पूरे राज्य में इंडिया के सभी जगह बारिश हो रही है। यहाँ तक कि गोवा, मुंबई और गुजरात, ये 3 जगह भी पहुँच गई बारिश। हिमाचल में भी हो रही है, मतलब अभी 80-90% सभी राज्यों में इंडिया के बारिश स्टार्ट हो चुकी है और दिल्ली बहुत सूखा पड़ा हुआ है। पता नहीं, आज न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि अगर आज बारिश ना हुई, क्योंकि 2 दिन से घुमस हो रहा है, घुमस मतलब काले बादल छाए हुए हैं और चिपचिप सी गर्मी हो रही है, तो देखते हैं बारिश होती कि नहीं। बारिश हो जाएगी तो मौसम बड़ा सुहाना हो जाएगा। खैर, मैं गेट पर जाके इंक्वायरी करता हूँ कि देव के क्लासेस का क्या हुआ है। सो पता चला है कि आ रहे हैं, वो लेन SD के, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम करवाया जा रहा है। मॉर्निंग में भी 8:15 आ गए तो 12:13 छुट्टी हो जाती है। देखते हैं अभी 32 प्रोस हो गए। आवाज आ गई, गेट खुल रहा है, बच्चे आने वाले हैं। टाइम कुछ 12:45 हो गया, दिख रहा है। हाँ, कल मना करूंगा फिर।
कैसे गया? अच्छा। क्या क्या हुआ आज? क्या क्या हुआ आज? सर बोल रहे हैं ना कि अगर देवराज जब तुम्हारा शादी का रोल होगा ना, शादी की, हाँ उसमें एक्टिंग करवा रहे हैं, जब तुम लोग संडे एंड सैटरडे का आओगे ना तो हम लोग मेकअप कर देंगे, कॉस्ट्यूम भी दे देंगे। सर सर मैंने बोला सर को जब मेरा शादी वाला रोल होगा तो सर मैं क्या पहन के आऊँगा? सर ने बोला तुम्हारे पास कोई धोती होती है? बोला नहीं। मैंने बोला कि एक रेड वाला वो है धोती और वो गोल्डन कलर जैसा और वाइट मिक्स है वो वाला कलर है, कलर वाला वो है वो वाला टी शर्ट वाला शर्ट वाला। तो फिर सर ने बोला वो लाना पहन के, वो लाना और उसके बाद हम फिर तुम पहनना, उसके बाद मेरे मैं पगड़ी ला दूंगा। पगड़ी क्या क्या पहनना है? सर ही लाएंगे कहाँ से? वहीं अपने जगह से, कॉस्ट्यूम वाली जगह से। हाँ और क्या करेंगे? आपने पूछा कि मैंने आपको मना किया था? नहीं मैंने पूछा नहीं सर, सर अभी सबको बता रहे थे, अपने भी आज ही सबको बता रहे थे ना अभी सर। रोहित सर कितने बजे आए थे? लेट आए थे क्या? नहीं जल्दी आ गए। जल्दी आ गए थे? फिर इतना लेट क्लास? एक जगह इतना बड़ा हॉल है ना, स्टेज बहुत बड़ा है ना। हाँ। वहाँ पे किधर बड़ा स्टेज, वहाँ पर सिखाया हुआ किधर से एंट्री करना है? हाँ सिखा दिया, सिखा दिया। चार जगह गेट होता है। हाँ चार जगह से आना होता है, एक छोटा वाला होता है, एक थोड़ा मोटा होता है और एक छोटा वाला होता है। तो इसका मतलब आपने स्टेज में परफॉर्म किया? हाँ। किधर से आना सबसे पहले क्या करके दिखाया? परफॉर्मेंस नहीं किया अभी तो, प्रैक्टिस कर रहे स्टेज पे कैसे करेंगे। चलो कैसा लगा? अच्छा लगा प्रैक्टिस करके? बट मॉर्निंग में क्या मेडिटेशन वगैरह हुआ? नहीं इधर सर। और मेडिटेशन नहीं हुआ? गेम्स में? गेम्स भी नहीं, आज खाली मॉर्निंग में ले गए हॉल में और एक्टिंग करवाया। एक्टिंग करवाया? हाँ। नो गेम। मोहित सर कुछ कह रहे थे? मोहित सर कह रहे थे मैं जब आ गया था तो क्या कह रहे थे? सुबह जब आपको छोड़ के आया था मोहित सर कुछ कह रहे थे? और देव जल्दी आ गया? नहीं कुछ नहीं कह रहे थे। आपको कितना रोल मिला? कुछ नया मिला या वही जो मिला हुआ कर रहे हो? जो मुझे रोल मिल रहा है ना दो, वही मुझे निभाना पड़ रहा है। दो ही मिला? तीन नहीं मिला? तीन थोड़ी मिला। अच्छा ये मुझे तीसरा ही मिल गया? अच्छा नहीं चौथा मिल गया पेड़ काटने का। चलो बढ़िया है। और पांचवा तो आपका किसके किसके बाद एंट्री सब पता है ना? पांचवा मिल गया कि पौधा लगाने का। चलो बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हो सारा प्ले? हाँ वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। कोई भी काम को मैंने आपको मॉर्निंग में समझाया था ना, अपने काम से प्यार करो, ये ज़िंदगी भर चलता है। ठीक है, सबसे पहला प्यार माँ बाप से, भाई बहन से, अपने रिलेशन वाले से, उसके बाद अपने काम से। सबसे ज़्यादा प्यार अपने काम से करो, वो आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। ठीक है ना? चलो बढ़िया, तो आज के दिन अच्छा गया ना? वेरी गुड, चलो फिर।